सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर फिलहाल आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आने वाले टाइम के अंदर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप DU के लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर सभी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और इससे पहले मैंने कॉमर्स के लिए बनाई थी और इसके बाद हम लोग साइंस पर भी बनाने वाले हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये हमारा मोटो है। ऑलराइट, तो देखो आज की वीडियो सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं CUET की, चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCOM कर रहे हो, BBBMS कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं CUET के लिए। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी की आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर और हम लोग आपको वहाँ पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं CUET के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, आप भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट, तो देखिए एलिजिबिलिटी समझने से पहले आपको बहुत सारी और भी चीज़ें समझनी होंगी जिसकी वजह से आप एलिजिबिलिटी बाद में समझ पाओगे। तो देखिए CUET के अंदर बेसिकली तीन तरह के अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि जिसके अंदर सबसे पहले तो लैंग्वेज का सेक्शन है, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो टेस्ट आप दे सकते हो CUET के अंदर। दूसरा डोमेन्स का सेक्शन है, यानी कि जो भी आप 12th क्लास के अंदर पढ़ाई करते हो, जैसे भाई आप मान लीजिए आर्ट्स से हो तो आप पॉलिटिकल साइंस करोगे, ज्योग्राफी करोगे, इकोनॉमिक्स करोगे या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स कुछ कर रहे हो, तो वो डोमेन्स के अंदर आते हैं। डोमेन्स के अलावा जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है जनरल टेस्ट का, जिसके अंदर आपका हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है, जिसके अंदर आपकी GK है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट्स है, वो आपका आता है। तो ये तीन सेक्शंस हो गए, लैंग्वेज है, डोमेन्स एंड जनरल टेस्ट है। तो अब आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे अगर आप आर्ट्स का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो यहां पर सारी सारी चीज आ जाती है। अब शुरू होगी हमारी एलिजिबिलिटी। अब देखिए ये तो मैंने CUET की बात की, अब इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आपको समझना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी तीन जो लिस्ट है वो रिलीज़ की है और तीन लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लिस्ट ए के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सारी सारी लैंग्वेजेस डाल दी है, लिस्ट B1 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सारे के सारे डोमेन्स डाल दिए जो भी आप 12th क्लास के अंदर पढ़ाई करते हो, एंड लिस्ट B2 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने भी आपके हम बोल सकते हैं कि जिन्हें हम बोल सकते हैं कि आपके वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर जो आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेंटिंग हो गई, तो ये जितने भी कोर्सेज होते हैं उसको B2 के अंदर डाल दिया है। आप एक काम कर सकते हैं, इन लिस्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अब आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ आने वाली है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो मैं सच में बता रहा हूँ कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाते हैं इस छोटी सी जानकारी की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब दो चीज़ें समझ चुके हैं, CUET के अंदर तीन सेक्शंस हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो तीन लिस्ट है उसको। अब हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए अगर आप कोई आर्ट्स का कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, जिसके अंदर आप भाई मान लीजिए ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो या फिर साइकोलॉजी कर रहे हो, सोशोलॉजी कर रहे हो, तो ये जितने भी ऑनर्स के कोर्सेज हैं अगर आप इनमें से कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना होगा। एक तो आपको CUET के अंदर लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, लैंग्वेज के अलावा आपको दो सब्जेक्ट्स के और टेस्ट देने होंगे जो कि लिस्ट B1 के अंदर से होने चाहिए थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिस्ट B1 रिलीज की थी। एक लैंग्वेज हो गई, दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से हो गई एंड एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 या B2 किसी में से भी हो सकता है। तो इस तरह से एक लैंग्वेज होगी प्लस तीन डोमेन आपके हो जाएंगे और इस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, साइकोलॉजी कर रहे हो, फिर सोशोलॉजी आप कर रहे हैं। राइट, तो आई होप आप चीज़ें समझ चुके हैं कि अगर आप ये ऑनर्स करना चाहते हैं एक लैंग्वेज आपको चाहिए होगी, दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 के अंदर से चाहिए होंगे और एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या फिर B2 में से किसी में से भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके बेस्ट ऑफ 4 जो होंगे उसके आपको टेस्ट देने होंगे, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपके जो एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन BA के ऑनर्स के कोर्सेज के अंदर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मान लीजिए अगर हम साइंस से हैं, अगर हम कॉमर्स से हैं तो हम एक कोर्स करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ की जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि भाई इतने सब्जेक्ट्स B1 से, इतने सब्जेक्ट्स B2 से, तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं, बेशक आप साइंस के टेस्ट दे रहे हो, बेशक आप कॉमर्स के टेस्ट दे रहे हो, वो भी इन लिस्ट B1 B2 के अंदर से ही होंगे। तो आप अपने खुद के स्ट्रीम के टेस्ट देकर के आप आर्ट्स की जो कोर्सेज हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपको आर्ट्स के टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप साइंस से थे तो आपको साइंस के टेस्ट देने हैं, उसके बेसिस पर आपका आर्ट्स के अंदर भी एडमिशन होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखा है कि एक सब्जेक्ट B1 से, B2 से, इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। राइट, तो आपको इस तरह से आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। और आप आर्ट्स के हो तो डेफिनेटली आप जो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं वही आप सब्जेक्ट दे सकते हैं और बेस्ट ऑफ 4 जो है वहां पर आपके टेस्ट आपको देने होंगे, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कहाँ पर है, मान लीजिए जैसे कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं। अब इकोनॉमिक्स मैंने कॉमर्स के वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन मैं आर्ट्स से बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स के भी होते हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये बोलता है कि भाई मैथमेटिक्स 12th क्लास के अंदर होना मैंडेटरी, आपको मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा CUET के अंदर। तो आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, एक तो लैंग्वेज आपको देनी है, लैंग्वेज के अलावा मैथमेटिक्स का टेस्ट आपको देना है, मैथमेटिक्स के अलावा आपका एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 के अंदर से आपको टेस्ट देना है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट B1 या B2 के अंदर से कोई भी हो सकता है। तो इससे
उसमें से अगेन यहाँ पर जो चार टेस्ट है वही आपको देने पड़ेंगे। लैंग्वेज हो गई, मैथ्स हो गई, एक सब्जेक्ट B1 से हो गया और एक सब्जेक्ट B1 या B2 में से किसी भी लिस्ट में से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन आपको चार टेस्ट देने पड़ेंगे, बट मैथमेटिक्स जो है वो टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ्स नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्सेज भी करते हैं, मान लीजिए कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, तो अगर आप हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स करें उसके अंदर क्या करना होगा, लैंग्वेज में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स करें तो हिंदी आपको लेनी पड़ेगी लैंग्वेज के अंदर, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश आपको लेनी पड़ेगी लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो जो भी कर रहे हो आपको एक लैंग्वेज के अंदर वो लेनी पड़ेगी एक्जैक्टली। देन उसके बाद आपको दो सब्जेक्ट्स B1 से लेने पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट B1 या B2 के अंदर से कोई भी हो सकता है। तो इस वजह से आप हिंदी ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जर्नलिज्म के अंदर भी जाना चाहते हैं, राइट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखो 3 साल की भी जर्नलिज्म होती है और 5 साल का इंटीग्रेशन भी जर्नलिज्म होता है। अब यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें हैं, अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ, जर्नलिज्म जो है सभी कॉलेज ऑफर नहीं करते हैं, कुछ ही कॉलेज ऑफर करते हैं। आप रिसर्च कर लीजिए कौन कौन से कॉलेज आपको ऑफर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, यहाँ पर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट जो था स्टार्टिंग में आपको बताया था ना एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश या फिर जनरल टेस्ट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दोनों के दोनों देकर के आप अपना जो जर्नलिज्म है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जिसके अंदर आप जनरल टेस्ट मत दो, जिसके अंदर आप इंग्लिश का टेस्ट दे दो प्लस दो सब्जेक्ट B1 से उठा लो और एक सब्जेक्ट B1 या B2 के अंदर से कोई भी ले लो, जैसे कि जो ऑनर्स के जो कोर्सेज थे वही एक्जैक्टली यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप 3 ईयर्स की जर्नलिज्म कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए BA प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है भाई BA प्रोग्राम भी वो करते हैं और यहाँ पर आप ध्यान से समझना इस चीज़ को भी, दो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट BA प्रोग्राम करना चाहता है, सबसे पहले तो जो बेसिक आपका कॉम्बिनेशन था वही है भाई, लैंग्वेज ले लो, दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से ले लो, एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या B2 के अंदर से कोई भी आप ले लो। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। लेकिन अगर मान लीजिए आप BA प्रोग्राम इनके अलावा किसी तरह से करना चाहते हो तो आप जनरल टेस्ट के थ्रू भी आप BA प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी, एक लैंग्वेज लेनी होगी प्लस एक सब्जेक्ट B1 या B2 के अंदर से किसी में से भी हो सकता है, और जो उसके बाद जो होगा वो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो इसके बेसिस पर भी आप BA प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप जनरल टेस्ट के बेसिस पर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको लग रहा है मुझे BA प्रोग्राम करने, लेकिन 12th क्लास जो सब्जेक्ट है भाई मुझे इतने ज़्यादा बड़े तरीके से नहीं आते हैं, तो आप जनरल टेस्ट वाला जो रास्ता है वो आप अपना करके भाई BA प्रोग्राम ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास होंगे, राइट। इसके अलावा देखिए दिल्ली सिटी के अंदर 5 ईयर्स की भी इंटीग्रेशन जर्नलिज्म होती है, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है वो आपको ऑफर करता है। तो अगर आप 5 साल की इंटीग्रेशन जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना होगा, इंग्लिश जर्नलिज्म करनी है तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट दे दीजिए, हिंदी जर्नलिज्म करनी है तो हिंदी प्लस जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो इस तरह से बेसिस पर आप 5 साल की जो जर्नलिज्म है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हिंदी ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स करना है तो क्या करना होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशोलॉजी, ये सब आपको करना है तो आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा, इसके अलावा BA प्रोग्राम के लिए कौन सा देना होगा, जर्नलिज्म के लिए क्या है। तो आई होप सारी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं CUET की। और हमारे जो लास्ट के रिजल्ट्स हैं भाई, हमारे स्टूडेंट्स बहुत टॉप कॉलेज के अंदर भी सेलेक्ट हुए हैं, हंसराज के अंदर भी, हिंदू के अंदर भी, मिरांडा LSR सब में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लगी होगी, सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है तो, और ये एलिजिबिलिटीज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉलो करनी है सारी की सारी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।